हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन के बीच के डिफरेंस के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसमें आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जबकि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसमें आता है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के जितने टाइप्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और विटामिन सी। तो दोस्तों, अभी तक आपको बताया कि विटामिन जो होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो पहली बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, जिसके ऊपर इनका नाम पड़ा है फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो जो विटामिन ए, डी, ई, के है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है और जो विटामिन बी और सी है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अब बात करते हैं कि जब इनका ट्रांसपोर्ट होता है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनके अंदर कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर ट्रैवलिंग करने के लिए। जबकि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो सिंपली ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र कर जाते हैं बॉडी में, यानी कि किसी भी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती एक्सेप्ट विटामिन B12 के। दोस्तों, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल सॉल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन के लिए कोई बाइल सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपल इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इनका होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसमें से कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वही हमारी बॉडी में स्टोर्ड रह पाते हैं, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो भाई, अब जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो रहते कहाँ हैं? बेसिकली वो लिवर के अंदर और फैटी टिश्यूज़ के अंदर स्टोर्ड रहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टोर्ड नहीं रहते हैं, वो एक्सक्रीट कर जाते हैं यूरिन के थ्रू एक्सेप्ट विटामिन B12। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है और कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।